नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। जो बाइडेन जेतेले वाइस प्रेसिडेंट थिले, बाराक ओबामा सेतेले प्रेसिडेंट थिले, सेतेले एक्चुअली जो बाइडेन कहिथिले कि नॉर्थ कोरिया रे जो एक छत्रवादी शासक अछन्ति किम जोंग उन, से जने मनीष नहुंती, से जने कुकुर, आउ तांकु पागला भलिया पिटिबा दरकार, एमिति पिटिबा दरकार, मरिबा पर्यंत पिटिबा दरकार। तेणु जेतेले जो बाइडेन प्रेसिडेंट हेइछन्ति तो वाइस प्रेसिडेंट थिला बेले से कथा कहिथिले माने प्रेसिडेंट थिला बेले कौन करिवे से कथा ऑलरेडी किम जोंग उन जानी चले। तेणु वर्तमान प्रेसिडेंट हबा पूर्वरु किम जोंग उन पूरा टार्गेट करिछन्ती बाइडेन को आ कौन कहिछन्ती मु डिटेल से वीडियो रे कथा हबी। आपण देखिपारुथिबे फोटोरु निश्चित भाव रे आपण को दि जण सांग भलिया लागुथिबे, बट डेफिनेटली ये होछन्ती नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट किम जोंग उन, ये होछन्ती अमेरिका रे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका रे कोनोसी प्रेसिडेंट आज पर्यंत नॉर्थ कोरिया विजिट रे आसी नथिले, बट फास्ट प्रेसिडेंट हिसाब से आम कहीपर डोनाल्ड ट्रम्प, जी कि चेष्टा करते नॉर्थ कोरिया माटी रे पाद देवाई सहित किसी कम्युनिकेशन द्वारा कथा बढ़ावाई, बट वर्तमान सिचुएशन बिल्कुल तार उल्टा हो जाए। देखिपे टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन प्रेसिडेंट, यूएसए इज आवर बिगेस्ट एनमी। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट कहते किम जोंग उन कि अमेरिका हूँ आम सबुठ बड़ शत्रु। कौन पाई सिंपल कथा से ये जिनस जी भी अमेरिकार प्रेसिडेंट हो कि आसुना कहीं तार रिलेशन किंबा अमेरिका प्रेसिडेंट रिलेशन केबे भी नॉर्थ कोरिया सहित भल हो पार ना, कारण तांकर जो चिंताधारा रही से चिंताधारा केबे हेले नॉर्थ कोरिया सहित मिसिब ना। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट ए जिनस अमेरिका जो निजकु सबुठ बड़ डेमोक्रेसी भावुची आउ सेइथिपाई पूरा विश्व रे बाहा बाहा साबासी नहीं कि बुलुची किंबा से ए जिनस प्रूव करने चाहूँगी आमे विश्वर एक नंबर डेमोक्रेसी, तेणु आमको समस्ते रेस्पेक्ट दबा दरकार। बट डेमोक्रेसी मतलब कौन आमे ऑलरेडी पूर्व सप्ताह जाणी सारिछु, जेतेले कैपिटल आगरे एमिति भावरे स्ट्राइक होता प्रेसिडेंट को सीज कराइला किंबा अमेरिका गोटे जात्रा स्टेज भाया हो जाता सेतेले आमे जाणीछु अमेरिका को भाया डेमोक्रेसी, तेणु पूरा विश्व को शिखे पारती, बट नॉर्थ कोरिया को केबे हेले शिखे पारिबे नाही अमेरिका। कारण नॉर्थ कोरिया रे गोटे आमे कहि पारिबा पर्सनल थिंकिंग अच्छी, नॉर्थ कोरिया लोकंकर एक्चुअली फ्रीडम अच्छी। देखो एटा नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट कहिबा कथा, बट मोर पर्सनली मानिबा जे केमिति भाबरे नॉर्थ कोरिया फ्रीडम अच्छी सेटा तो मते आज पर्यंत डाउट अच्छी, बट स्टिल नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट कहिबा अनुसार जे तो तांकर जो सोवेरेनिटी अच्छी, तांकर जो फ्रीडम अच्छी सेटा अमेरिका रे भी आज पर्यंत नाही जोटा आमे मेंटेन करूछु। जदि कथा उठुची तापर से ए जिनस कि अमेरिका जो भाया भाव धमक दौर नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया पाखरे तार प्रबल सफिसेंट रीजन अच्छी किंवा सफिसेंट जिनिष अच्छी अमेरिका को तार प्रॉपर एनसर देवाई। आम पाखरे ड्रोन अच्छी, आम पाखरे बालिस्टिक मिसाइल अच्छी, आम पाखरे इंटरकंटिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल अच्छी, आम पाखरे परमाणु बोमा अच्छी। तेणु अमेरिका जदि कौन भूल भी नॉर्थ कोरिया उपर अटाक करने चेष्टा कर ताहले बहुत कम समय भितर आम अमेरिका को बहुत बड़ क्षतिग्रस्त करदे पार। देखु ये जिनस माने नुहे जे नॉर्थ कोरिया रे प्रेसिडेंट किम जोंग उन फर्स्ट टाइम कहते ना, पूर्वर भी जितेबाला डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट करते नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट को मारे बोली सेतले भी नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट कही आम पाखे बोमा अच्छी आउ से बोमा भी कम करमी भाव धमक देते फर्स्ट टाइम यहाँ नुह। ओके, जदि आम देखा नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट प्लस अमेरिका प्रेसिडेंट ऑब्वियसली पूरा लाइफ रे केबे भी भेटी नहांती कौन से प्रेसिडेंट, बट फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रम्प केस रे एक्चुअली दी थर मीटिंग हेतिला, थरे सिंगापुर रे हेतिला, थरे हानोई वियतनाम रे हेतिला, बट आमे कहि परबा मीटिंग तो हेतिला तार कोनोसी ना कोनोसी बाटरे फलाफल एक्चुअली आसी पार नथिला कहा पाखकु पूरा विश्व पाखकु। जो अमेरिका चाहूतला कि नॉर्थ कोरिया सहित किसी जिनस ट्रिटी हो सेठी जो परमाणु बोमा इलीगल वे रे बना जाउची से जिनस को स्टॉप करा जाउ, बट आमे कहि परबा नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट मिसिले डोनाल्ड ट्रम्प सहित कथा हेले एग्रीमेंट हेला, बट तापर भी नॉर्थ कोरिया रे कोनोसी चेंजेस आसिला नाही, जेमिति भाव रे आमे कहि परबा जाति संघ को एवॉइड करिकी परमाणु बोमा बनाउथिले, वर्तमान स्टेज रे भी सेई भले आमे कहि परबा नॉर्थ कोरिया सेमिति भाव रे परमाणु बोमा बनाउची। तेणु जदि आमे कहिबा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कथा, तेणु डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कोरियन वार एक्चुअली बहुत बड़ युद्ध होता, तो वर्तमान स्टेज रे नॉर्थ कोरिया अमेरिकार बिल्कुल एगेंस्ट रे, साउथ कोरिया जो अमेरिका रे पूरा पाखरे।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯଦି ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଆଉ କେବେ ବି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଠୁ ଆମେରିକା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେଣୁ ଆମେରିକା ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଥ୍ କୋରିଆକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଥ୍ କୋରିଆରେ ହେଇଗଲା, ଜାପାନରେ ହେଇଗଲା, ଆମେରିକାର ବହୁତ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ମିଲିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଡ଼ା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକାକୁ ବି ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେରିକାର ଆର୍ମି ହିଁ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଡିପ୍ଲୟ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆମେରିକା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ହେଲା, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଜିନିଷକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆସିଗଲେ, ଅଲରେଡ଼ି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ କେବେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଚାରି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମେରିକାର ରିଲେସନ୍ ନର୍ଥ କୋରିଆ ସହିତ ଭଲ ରଖିବା ଦରକାର କି ନୁହଁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।